समाचार आज तक पेश करता है दिन भर की ताजा तरीन खबरें। पहली खबर में आपको बता दें, यास तूफान के असर से आज गोड्डा में रात 2 बजे से ही रुक रुक कर कई दफा बारिश हुई, जिससे सड़कों पर काफी पानी भर गया, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी भी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी जरूरत के हिसाब से सामान लेने बाहर निकले थे। अगली खबर में आपको बता दें, आज पड़ैयाहाट प्रखंड सभागार में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर SDM ऋतुराज की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक की गई। कोविड-19 के रोकथाम को लेकर जहां एक और पूरा तंत्र लगा हुआ है, वहीं गोड्डा जिला प्रशासन भी काफी मुस्तैद है। बताया जा रहा है कि कोविड वैक्सीन अधिक से अधिक हो, इसके लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर प्रत्येक पंचायत में टीम गठित की जा रही है। टीम का लक्ष्य प्रत्येक गांव में कम से कम 150 से 200 व्यक्तियों को वैक्सीन लगवाना और टीका लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। विशेष रूप से 45 वर्ष के अधिक व्यक्तियों को टीका लगवाने की बात कही। गठित टीम में पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, मुखिया, शिक्षक, डीलर एवं एक्टिव वुमेन शामिल होंगी। आज की बैठक में प्रखंड पदाधिकारी कंचन कुमारी सिंह, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पूनम रानी, थाना प्रभारी गजेश कुमार, अंचलाधिकारी मंटू इग्निशियस बास्की, BPM आशीष रंजन, BEO दिलीप मांझी, प्रभाकर कुमार, सहकारिता पदाधिकारी संजय कुमार एवं मुखिया अनुपम भगत मौजूद थे। अगली खबर में आपको बता दें, दुमका उत्पाद विभाग को बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद करने में सफलता मिली है। जामा थाना क्षेत्र में पुलिस को बिना सूचना दिए विभाग ने एक गोदाम में गुप्त छापेमारी की और करीब 90 लाख की अवैध शराब बरामद की और एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब देख उत्पाद विभाग के अधिकारी भौचक्के रह गए। उन्होंने फौरन दुमका SDO को सूचना देकर फोर्स की मांग की। पुलिस फोर्स आने के बाद शराब को जब्त कर दुमका उत्पाद विभाग के गोदाम लाया गया। बताया जाता है कि दुमका में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब की खेप उत्पाद विभाग ने बरामद की है। उत्पाद विभाग के मुताबिक जब्त रॉयल प्लेयर ब्रांड की शराब की बोतलें, जो ड्यूटी फ्री हैं, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में बेची जा सकती हैं। जब्ती में करीब 944 पेटी शराब और 6080 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया। इस शराब को बिहार में खपाने की तैयारी की जा रही थी। जब्त शराब जामा के कारोबारी अमर मंडल के कोयला गोदाम से बरामद की गई है। बेरोजगारी दूर भगाएं, खुद का रोजगार अपनाएं। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। CSP खोलकर आप घर बैठे कमा सकते हैं 10 से 20 हजार रुपए महीना। मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व DTH रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड जैसे सभी सुविधाएं, सभी ट्रांजेक्शन पर पाए तुरंत कमीशन। आज ही CSP ID लेने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9162571443। अगली खबर में आपको बता दें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौनीहाट में 100 लोगों का टीकाकरण कराया गया। आज के इस टीकाकरण शिविर में 18 वर्ष से 45 वर्ष के आयु वर्गों के व्यक्तियों को टीका लगाया गया। शिविर में कुल 100 व्यक्तियों का कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। वैक्सीन लेने के लिए युवाओं में काफी उत्साह का माहौल था। बताया गया कि अभी 3 दिन तक लगातार कोरोना का टीका लगाया जाएगा। शिविर में शामिल डॉक्टर शशिकांत, डॉक्टर प्रमोद के एजुकेटर, डॉक्टर राधा कृष्ण मिश्रा, उमा देवी, ANM पार्वती देवी सहिया, रीता देवी सहिया आदि शामिल थे। अगली खबर में आपको बता दें, देवघर के जसीडी थाना क्षेत्र के गिधनी मोड़ के पास 16 चक्का ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। घटना गुरुवार दोपहर की बताई जा रही है। युवक की पहचान विशाल कुमार के तौर पर हुई है, जो कि देवघर नगर थाना क्षेत्र के रानी कोठी इलाके का रहने वाला है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि गिट्टी लगा 16 चक्का ट्रक देवघर से बिहार की तरफ जा रहा था। इसी बीच मोटरसाइकिल सवार असंतुलित होकर ट्रक से भिड़ गया। हालांकि ट्रक चालक ने मोटरसाइकिल सवार को बचाने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच युवक और ट्रक दुर्घटना का शिकार हो गए। घटना की सूचना जसीडी थाना को दे दी गई।
सूचना मिलने पर जसीडी थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। अगली खबर में आपको बता दें, सदर प्रखंड मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर मारखंड पंचायत में अब तक कोरोना ने दस्तक नहीं दी है। इस पंचायत के गांव कुटनी पाथर एवं सटे हुए गांव कठौन में गुरुवार दोपहर 11 बजे बारिश हो रही थी। गलियों में जलजमाव हो गया है। गांव के अधिकांश लोग घर में दुबके हुए हैं। एक तो बरसात व दूसरा कोविड का लॉकडाउन है। कठौन मोड़ के पास एक झोपड़ी नुमा दुकान पर ग्रामीण ने एक अनजान आदमी को देखकर परिचय पूछा। कहा कि अभी कोरोना से सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। यहाँ लोग सुबह काम पर जाते हैं और सवेरे ही काम निपटा कर घर आ जाते हैं। कई माह से चौक चौराहे पर इसी तरह सन्नाटा छाया है। जरूरत पड़ने पर ही मास्क लेकर निकलते हैं। कुटनी पाथर गांव के उप मुखिया अरुण चौधरी, परमानंद मंडल, शंभु मंडल, कठौन के अशोक मोदी, विजय यादव, वासुदेव, जयकृष्णा यादव आदि ने बताया कि इस पंचायत में मारखन, कठौन, कुटनी पाथर, मोहनपुर, कादर टोला गांव की आबादी 10,000 से अधिक है। गांव दूर दूर पर बसे हैं। प्रत्येक माह शिविर लगाकर जांच कराई जाती है। कोई भी कोरोना का मरीज गांव में प्रवेश करे इसके लिए गांव में पूर्व ही सैनिटाइजिंग व क्वारंटाइन की व्यवस्था है।